हेलो गाइस, आपने लॉग इन किया है बॉलीवुड टॉक। सो गाइस, सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोशन सिंह सोडी की पार्टी शार्टी की स्टोरी का ट्रैक काफी इंटरेस्टिंग मोड पे पहुंच चुका है। लेकिन गाइस, इसी के साथ साथ इस एपिसोड में मुझे कुछ ऐसी बातें जो काफी ज्यादा अजीब लगी, एंड गाइस आई होप ये बात आपने भी नोटिस जरूर की होंगी। सो गाइस, सबसे पहली बात कि इस समय रोशन सिंह सोडी जेठाल के प्लान से काफी खुश है, यानी कि वो इस समय बच चुका है और पार्टी शार्टी करने के लिए काफी ज्यादा उतावला हो रहा है। लेकिन भाई, यहाँ पर रोशन सिंह सोडी ने रोशन भाभी को वचन दिया था कि वो पार्टी शार्टी नहीं करेगा, और जब रोशन सिंह सोडी ने इस बात का जिक्र जेठालाल से किया था तब भी वो बोल रहा था कि मेरा मन तो नहीं पार्टी शार्टी करने का, लेकिन मेरे दोस्त मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो आखिरकार अब रोशन सिंह सोडी इतना क्यों चल रहा है, तो ये बात जो कि मुझे अब तक समझ में नहीं आई है। दूसरी बात, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर रोशन सिंह सोडी की तबीयत खराब थी इसलिए वो चला गया और भिड़े ने भी उसे जाने दिया, लेकिन वही आखिरकार पत्रकार पोपटलाल को भिड़े ने क्यों जाने दिया? भाई, पत्रकार पोपटलाल तो थका आ रहा अपने ऑफिस से आया था, तो एटलीस्ट पोपटलाल से तो वो खाने के लिए बोल ही सकता था, लेकिन भिड़े ने ऐसा कुछ नहीं किया। गाइस, तीसरी बात, जब रोशन सिंह सोडी डॉक्टर हाथी के घर से बाहर आता है तो उस समय डॉक्टर हाथी अपने घर का दरवाजा बंद करते हैं, और जब डॉक्टर हाथी और उनकी वाइफ घर से बाहर आते हैं तो उस समय कोमल भाभी भी दरवाजा बंद करती हैं। तो ये आखिरकार डॉक्टर हाथी के घर में दो मेन डोर एक ही जगह पे है क्या? गाइस, एक बात मुझे अब तक समझ नहीं आई है कि आखिरकार गोकुलधाम सोसाइटी में चाहे दिन हो या फिर रात, अब्दुल की दुकान हमेशा ही खुली रहती है, और अब्दुल भले ही दुकान पे ना हो लेकिन उसकी दुकान खुली रहती है। क्या अब्दुल को दुकान पर चोरी होने का कोई डर नहीं रहता? आई मीन दैट, इतनी रात हो चुकी है उसके बावजूद भी अब्दुल अपनी दुकान पर नहीं है, वो दुकान को यूं ही खुला छोड़ के नहीं चला गया? भाई, यहाँ पर तो चाहे तो कोई भी अब्दुल की दुकान पर चोरी कर सकता है। भैया, भाई एक बात, अगर गोकुलधाम सोसाइटी के मेंबर जब भी काम करते हैं तो वो हमेशा ही एक साथ मिलकर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जेठालाल ने डॉक्टर हाथी को अपने प्लान में पहले ही इन्वॉल्व करना जरूरी नहीं समझा। यानी अगर वो चाहता तो पहले ही डॉक्टर हाथी को अपने इस प्लान के बारे में बता देता, क्योंकि सभी को पता है कि अगर सोडी की तबीयत खराब होती तो सब लोग सबसे पहले डॉक्टर हाथी के पास ही जाएंगे। तो भाई, यहाँ पर अगर जेठालाल चाहता तो डॉक्टर हाथी को पहले ही बता सकता था। भाई, इन सबके बीच में एक बात मुझे अब तक समझ में नहीं आई कि अगर रोशन सिंह सोडी चाहे तो आत्माराम भिड़े को डायरेक्टली बोल सकता है कि उसके दोस्त उसे फोर्स कर रहे हैं, इसलिए उसे जाना पड़ेगा, जिसके बाद के सोडी को इतने सारे झूठ ना बोलने पड़े। और यहाँ पर आत्माराम भिड़े भी सोडी की इस बात को समझ सकता है, लेकिन भाई नहीं, यहाँ पर तो सब लोग झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। सो भाई, ये एक बात जो कि मुझे इस एपिसोड में काफी ज्यादा अजीब लगी, एंड गाइस आई होप ये बात आपने भी नोटिस जरूर की होगी। सो इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट्स और रिव्यूज है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे।